इंडिया में टोटल 169 बिलियनर्स हैं, जिसमें से 58 बिलियनर गुजराती हैं, यानी हर 3 बिलियनर में एक बिलियनर गुजराती। 2022 में एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 86 richest गुजराती की टोटल वेल्थ 15 लाख करोड़ रुपए है। ये नंबर इतना बड़ा है कि इससे हम 140 करोड़ इंडियंस के बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी हर एक इंडियन के बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए, और इसके बावजूद आपके पास 72 लाख रुपए फिर भी बच जाएंगे। इंडिया के सारे बड़े ब्रांड्स जैसे कि रिलायंस, अदानी, पाले, गोदरेज, अमूल, टाटा, सिम्फनी, सन फार्मा, ये सारे ब्रांड्स सभी गुजरातियों ने बनाए हैं। सबसे अमेजिंग बात तो यह है कि जो गुजराती हैं वो सिर्फ इंडिया में नहीं, इवन यूएस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो सारे गुजराती यूएस में है उनकी एवरेज इनकम 3 गुना है एक यूएस सिटीजन की एवरेज इनकम से। अब हमें से कई लोग सोचेंगे, यार ये तो बड़े बिजनेसमैन है, हर कोई कॉमन आदमी वहां पर ऐसा थोड़ी ना है। तो यहां पर आप इस बच्चे की क्लिप देखिए जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2 लाख से वो अपने पैसे 2 करोड़ कैसे कर सकता है। मेरा नाम तिलक सोजित्रा है, फ्रॉम गुजरात। हाँ। प्रीमियम इठक का करना चालू कर दिया, 4 पॉलिसी बेच ली और 2 लाख प्रीमियम कर लिया। हाँ। तो मैं ये क्वेश्चन है कि अभी वो 2 लाख को मैं 2 करोड़ कैसे करूँ। अच्छा, और आज की वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है कि गुजरातीज में ऐसा स्पेशल क्या है जो बाकी इंडियंस में नहीं है, और इनमें सबसे पहली क्वालिटी आती है स्मार्ट अडैप्टर्स। सबसे पहले आप ये वाली एड सुनिए, वॉशिंग पाउडर निर्मा। अगर आप 90s में पैदा हुए हो तो इस एड को आपके दिमाग में डाल दिया गया है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये कपड़े धोने का साबुन है। लेकिन इसके पीछे की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये स्टोरी है करसन भाई पटेल की, और जो निर्मा पाउडर है वो उन्होंने अपनी बेटी के नाम पर रखा था क्योंकि इनकी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, और वो चाहते थे कि ये जो नाम है वो अमर हो जाए। जब भी वो अपनी टेक्नीशियन की जॉब करके घर में आते थे तो वो इस डिटर्जेंट पे काम करते थे। वो बार बार फेल होते, नया डिटर्जेंट बनाते, अपने कपड़े धोते और देखते कि वो कैसे धुल रहे हैं, और फाइनली उन्हें ये फॉर्मूला मिल गया जिसे उन्होंने नाम दिया निर्मा। अब हमें से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि एक टेक्नीशियन अपने घर के पीछे एक डिटर्जेंट बना भी लिया तो कौन सी बड़ी बात है, लोगों को तो उसके बारे में पता नहीं है तो ये प्रोडक्ट बिकेगा कैसे। और एग्जैक्टली ये चीज करसन भाई पटेल जानते थे, इसीलिए उन्होंने अपने प्रोडक्ट में एक डिफरेंशिएटर रखा। वो डिफरेंशिएटर था प्राइस। एक्चुअली में उन्होंने मार्केट में देखा कि हर ब्रांड अपने डिटर्जेंट को 14 रुपए पर किलो के हिसाब से बेच रहा है, जो कि मिडिल क्लास हाउसवाइफ के लिए बहुत कॉस्टली है, और उनके लिए उन्होंने प्राइस रखा 3 रुपए पर केजी, यानी 1/3 प्राइस से भी कम। बट अगेन फिर सवाल ये आता है कि प्राइस भी कम कर दिया लेकिन वो बिकेगा कैसे। तो इसके लिए इन्होंने साइकिल उठाई और हमेशा अपनी जॉब के बाद घर घर जाके नॉक किया, और उन्हें ये डिटर्जेंट साबुन बेचना स्टार्ट कर दिया। एग्जैक्टली जो आज 23,000 करोड़ का मालिक मर्सिडीज बेंज में घूम रहा है, वो एक टाइम पर साइकिल उठाकर लोगों के घर घर जाके उनकी गालियां सुनता था, उन्हें नॉक करके अपना साबुन बेचने की कोशिश करता। एनीवेज, कमिंग बैक टू द स्टोरी, जब ये प्रोडक्ट धीरे धीरे सक्सेसफुल होने लगा और करसन भाई पटेल के पास कुछ कैपिटल इकट्ठा हो गया, तो उन्होंने सोचा कि एक टीवी की एड लगा के अपने प्रोडक्ट को स्केल किया जा सकता है। इसके लिए उन्हें पता था कि उन्हें एक ऐसी एडवर्टाइजमेंट बनानी पड़ेगी जो लोगों के दिमाग में घुस जाए, जो हाउसवाइफ के दिमाग में राइम भी करें और उन्हें अपनापन लगे, और इसीलिए उन्होंने ये एड बनाई, वॉशिंग पाउडर निर्मा। ये एडवर्टाइजमेंट इतनी ब्यूटीफुली राइम करती थी कि इस प्रोडक्ट की डिमांड आसमान छूने लगी। एक टाइम ऐसा भी था कि हाउसवाइफ्स दुकान में जाती थी और वहां पर निर्मा प्रोडक्ट मांगती थी, और दुकानदार कहते थे, मैम सारे के सारे निर्मा पाउडर खत्म हो गए हैं, अब इसकी सप्लाई अगले महीने आई। इन शॉर्ट, इस स्टोरी से लर्निंग हमारी ये है कि स्मार्ट अडैप्टेशंस करो, यानी मार्केट में गैप ढूंढो कि किस प्राइस पॉइंट पर कौन से लोगों को कमी है, और उस प्राइस पॉइंट पर वो प्रोडक्ट ऑफर कर दो। अगर हमारा प्रोडक्ट अच्छा है तो लोग उसे लेंगे ही लेंगे। और गुजराती करसन भाई की तरह सिर्फ स्मार्ट अडैप्टर्स ही नहीं बल्कि अपने एसेट्स को इंश्योर्ड रखने में भी हमेशा आगे रहते हैं। जैसे कि गौतम अदानी जी ने तो अपनी ऑस्ट्रेलिया की कोल माइन तक का इंश्योरेंस ले रखा है, और अगर हम भी सिक्योर्ड रहना चाहते हैं तो हम पॉलिसी बाजार से टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। जिन्हें टर्म इंश्योरेंस के बारे में नहीं पता, तो टर्म इंश्योरेंस का मतलब है कि हम हर मंथ थोड़ा थोड़ा अमाउंट डिपॉजिट करवाते हैं, तो किसी अनफॉर्चुनेट इवेंट के केस में अगर हमारी डेथ हो जाती है तो हमारी फैमिली को एक लंपसम बड़ा अमाउंट मिल जाता है। पॉलिसी बाजार में 51 से ज्यादा रेप्यूटेड टर्म इंश्योरेंस प्लान्स हैं। इसमें हमें ज्यादा डिस्काउंट मिलता है, इवन कि हम खुद के लिए प्रपोजल भी भर सकते हैं। हम इसमें एडिशनल राइडर्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि क्रिटिकल बेनिफिट राइडर, इनकम बेनिफिट राइडर और एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। इसमें हमें सेक्शन 80C के अंडर टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं।
और हाँ, पॉलिसी बाजार का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दिया हुआ है, इसे जरूर चेकआउट कीजिए। गुजराती इसकी लर्निंग सेकंड है कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, यानी अपने कॉम्पिटिटर से दो कदम आगे रहना। इस गुजराती की स्टोरी बहुत ही अमेजिंग है। ये 90 रुपए एक सिनेमा में कमाता था और हाथ से चिप्स बनाता था, एग्जैक्टली जो हमारे घर वाले भी बनाते, लेकिन आज इसकी कंपनी की कीमत 4,000 करोड़ रुपीज। इनका प्रोडक्ट इतना सक्सेसफुल है कि ये लेस और कुरकुरे जैसे प्रोडक्ट को टक्कर देता। ये स्टोरी है इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्नैक कंपनी बालाजी वेफर के फाउंडर चंदू भाई वीरानी की। चंदू भाई वीरानी जी के फादर एक सिंपल किसान थे। उन्होंने अपनी जमीन बेची और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बेचना स्टार्ट कर दिया। उन्हें लगा वो किसान हैं, इस मार्केट को समझते हैं, तो वो प्रोडक्ट बनाएंगे और सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि वो बिजनेस में नए थे, उन्हें धोखे मिले और ये बिजनेस फ्लॉप हो गया। और इसीलिए इस किसान के बेटे चंदू भाई वीरानी को एस्ट्रेन सिनेमा में एक गेटकीपर का काम करना पड़ा, और इस गेटकीपर से कई बार ये सिनेमा हॉल भी साफ करवाया जाता था। एक बार हुआ ये कि उस सिनेमा में जो कैंटीन है वो खाली हो गई, यानी वहां पर जो सामान बेचता था वो चला गया। उस सिनेमा के मालिक ने सोचा कि ये गेटकीपर है, बहुत ही हार्ड वर्किंग है, ऑनेस्ट है, क्यों ना मैं इसे कैंटीन चलाने का काम बोलूं। और उसने एग्जैक्टली यही किया। उसने कहा कि आप कैंटीन चला सकते हैं, तू महीने का मुझे किराया दे दियो और उसके बाद तूने जो सामान वहां पर बेचना है वो बेच ले। और चंदू भाई वीरानी जी ने उस कैंटीन को चलाना स्टार्ट कर दिया। वहां पर वो घर जाते, अपने भाइयों के साथ हैंडमेड वेफर्स बनाते, उन्हें पैकेट में डालते और कैंटीन में बेचना स्टार्ट कर देते। अगर आपने पीवीआर सिनेमा से पहले वो नॉर्मल सिनेमा में मूवीज देखी हैं, तो आप जानते हैं किस वेफर्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो नॉर्मल पैकेट में कैंडल से बनती है होते थे। तो एग्जैक्टली वहीं से स्टार्ट हुई थी बालाजी वेफर की स्टोरी। धीरे धीरे इन वेफर्स की डिमांड इतनी बढ़ने लग गई कि आसपास वाले लोग इस कैंटीन में आते, इनसे वेफर्स खरीदते और उन्हें अपनी दुकानों में बेचते। जब इनका प्रोडक्ट बहुत फेमस होने लग गया, तो उन्हें पता था कि इनका फ्यूचर कैंटीन में नहीं है, ये अपना बिजनेस एक्सपैंड कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें अपना प्रोडक्ट मिल गया था। अब इन्होंने सोचा कि मैं प्राइस पॉइंट पर तो नहीं खेल सकता, क्योंकि सारे चिप्स की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है, तो अगर मुझे अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकलना है तो मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में ये चिप्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, और वो हाथ से नहीं बनाए जा सकते। इन शॉर्ट, उन्हें कोई ना कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलना ही पड़ेगा। आजकल तो सारे चिप्स मशीन पर ही बनते हैं, लेकिन उस वक्त पर ये बहुत ही कॉन्ट्रेरियन आइडिया था। अगेन इन्होंने करेज दिखाया और 50 लाख के लोन के लिए अप्लाई किया, जो आज के टाइम में इन्फ्लेशन एडजस्टेड 18 करोड़ रुपए बनता है। जैसा इन्होंने सोचा था एग्जैक्टली वैसा होने लगा। ऑल्दो प्रॉफिट मार्जिन कम था, लेकिन क्वांटिटी इंक्रीज करने की वजह से इनका ओवरऑल प्रॉफिट इंक्रीज होने लग गया, और वो उन्हीं प्रॉफिट्स को दोबारा से अपने बिजनेस में डालने लगे, जिससे इन्होंने अपना बिजनेस एक्सपैंड करना स्टार्ट किया। उस टाइम क्या होता था कि जो बड़ी बड़ी MNCs हैं, वो सोचती थी कि अगर एक सिटी में उनका प्रोडक्ट चल गया है तो सारी के सारी सिटीज में एक्सपैंड कर दो, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। जब इन्होंने 90% मार्केट शेयर गुजरात में ले लिया, उसके बाद एक एक सिटी करके इन्होंने एक्सपैंड किया, पहले महाराष्ट्र, फिर राजस्थान, फिर MP, फिर गोवा, और अब पूरे इंडिया में इनका मार्केट शेयर ऑलमोस्ट 65% है। इन शॉर्ट, इस स्टोरी से लर्निंग हमारी ये है कि हमें अगर अपने बिजनेस को चलाना है तो कोई ना कोई कॉम्पिटेटिव एडवांटेज चाहिए। इनके लिए जो उस वक्त कॉम्पिटेटिव एडवांटेज थी, वो ये थी कि जब सारे के सारे हाथ से वेफर्स बना रहे हैं, उस वक्त ये उन्हें मशीन से बनाएंगे, क्योंकि अगर ये अपने ज़्यादा प्रोडक्ट बेचेंगे तो बेशक उनका एक प्रोडक्ट में आधा एक रुपया बचेगा, लेकिन ओवरऑल इन्हें ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और जिससे ये जल्दी स्केल कर पाएंगे। गुजरातियों की थर्ड सबसे बड़ी क्वालिटी है कि ऑलवेज सपोर्ट योर कम्युनिटी एंड योर फैमिली मेंबर्स। एक माइंड बॉगलिंग डेटा सुनिए, USA में 53,000 के आसपास होटल्स और मोटल्स हैं, इनमें से 22,000 होटल्स और मोटल्स गुजरातियों के हैं, यानी हम इंडियंस के हैं। 42% ऑफ USA होटल्स एंड मोटल्स आर ऑफ गुजरातीज। ये 6 लाख लोगों को वहां पर इंप्लॉयमेंट देते हैं, विच ऑल्सो मीन्स की $40 billion ऑफ USA इकोनॉमी इज कंट्रीब्यूटेड बाय गुजरातीज। अभी जो सारा अमेरिका में होटल और मॉडल का बिजनेस है, ये स्टार्ट हुआ था 1942 में, जब कंजीबाई देसाई गुजरात से अमेरिका शिफ्ट हो गए थे न्यू अपॉर्चुनिटीज के लिए, और वहां पर उन्हें एक बहुत ही अमेजिंग डील मिली। एक्चुअली हुआ यह था कि 1941 में पर्ल हार्बर पर अटैक हुआ, यानी अमेरिकन और जापानीज दुश्मन बन गए। अब जब इतना बड़ा अटैक हुआ, तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने सारे जापानीज लोगों को कहा कि तुम शिफ्ट हो जाओ इंटर्नमेंट कैंप में। इंटर्नमेंट कैंप का मतलब है कि अमेरिकन सारे जापानीज जो कि अमेरिका में रह रहे थे, उन्हें वो बोल रहे थे कि तुम हमारे दुश्मन देश से हो, इसलिए तुम यहाँ से एक कैंप में शिफ्ट हो जाओ जब तक ये वॉर खत्म नहीं होती, क्योंकि हमें नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या करना है, हम तुम पर डाउट करते हैं क्योंकि तुम एक स्पाई भी हो सकते हो। और इसकी वजह से मिस्टर देसाई जी को एक अमेजिंग डील मिली, जिसमें उन्हें 32 रूम का होटल 90% डिस्काउंट में मिल रहा था, और उन्होंने ये इन्वेस्टमेंट कर दी एक लोन लेकर। कंजी भाई देसाई को लग रहा था कि इतने सस्ते में मोटल मिल रहा है, अगर लोग यहाँ पर नहीं भी आए तो कम से कम मेरी जो फैमिली है वो वहाँ पर रह सकती है।
इसलिए उन्होंने वहां पर सारे इंप्लॉयज को फायर कर दिया और कहा कि मेरी जो फैमिली है वही यहां पर काम करेगी। और वर्ल्ड वॉर टू खत्म होने के बाद जब टूरिज्म बढ़ा तो काफी लोग उनके होटल्स और मोटल्स में रहने लगे और वो बहुत ही कंजूसी के साथ सारे के सारे फैमिली मेंबर्स उन लोगों को सर्व करते और एक एक करके वो न्यू होटल्स और मोटल्स खरीदने लगे, जिसकी वजह से उनका बिजनेस एक्सपैंड हो गया। अब 1972 में युगांडा में एक और इंटरेस्टिंग चीज ये हुई कि वहां पर जो प्रेसिडेंट था इदी अमीन, उसने कहा कि सारे के सारे एशियंस मेरे देश से निकल जाओ। सारे के सारे एशियंस अपने अपने देश जाने लगे थे, लेकिन वहां पर जो गुजरातीज थे, पटेल्स थे, उन्हें अमेरिका के पटेल्स ने कहा कि तुम यहां पर आओ और हम तुम्हारी मदद करेंगे यहां पर नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। इसलिए युगांडा में जितने भी गुजरातीज थे उन्होंने अपना सारी प्रॉपर्टी वहां पर बेची, उसे गोल्ड में कन्वर्ट किया और वो अमेरिका शिफ्ट हो गए। और सारे पटेल्स ने एक एक कर अमेरिका के होटल्स खरीदना स्टार्ट कर दिया। इन शॉर्ट, अमेरिका में बैठा एक पटेल युगांडा वाले पटेल्स की मदद कर रहा था, क्योंकि वो उनका कम्युनिटी मेंबर था। कंजी भाई पटेल, जिनके यूएस में सबसे ज्यादा होटल्स हैं, वो कहते हैं कि इफ यू आर अ पटेल, लीज अ होटल। आई होप द मैसेज इज क्लियर, व्हिच मींस हेल्प योर कम्युनिटी मेंबर्स। इसके बाद गुजरातीज का सक्सेसफुल होने का नंबर 4 रीजन है कि दे टेक कैलकुलेटेड रिस्क। कैलकुलेटेड रिस्क को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए एक बॉक्स है जिसमें 8 काली बॉल्स हैं और 2 व्हाइट बॉल्स, और आपको इसमें से बॉल चूज करनी है। अगर एक ब्लैक बॉल निकली तो मैं आपको 2 रुपए दूंगा, और अगर व्हाइट बॉल निकली तो आप मुझे 1 रुपए देंगे। क्या आप ये गेम खेलोगे? अगर आपको बेसिक प्रोबेबिलिटी भी आती है तो आप बोलोगे ऑब्वियसली यस, क्योंकि ब्लैक बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी इज 80%, 8/10, और जो रिवॉर्ड है वो ब्लैक बॉल के लिए ज्यादा है क्योंकि आपको 2 रुपए मिल रहे हैं। तो अगर आप अपना रिस्क कैलकुलेट करके ये गेम बार बार खेलते रहोगे तो आप इवेंचुअली जीतोगे ही जीतोगे। कुछ इसी तरीके की सिचुएशन चल रही थी लक्ष्मी मित्तल जी के सामने। उन्होंने देखा कि मेक्सिको गवर्नमेंट एक अपना स्टील का प्लांट बेच रही है जिसमें बहुत ही ज्यादा लॉसेस हो रहे थे, लेबर बहुत प्रोटेस्ट कर रही थी और हर जगह इनएफिशिएंसी भरी पड़ी थी। सबने कहा मित्तल जी बेवकूफी, इस प्लांट को मत लो, लेकिन मित्तल जी कुछ प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर रहे थे। मित्तल जी ने सोचा कि ये प्लांट मुझे $220 मिलियन का मिल रहा है और इस प्लांट को बनाने की कीमत ही $2 बिलियन है, यानी अगर मैं अभी इस प्लांट को ताला भी लगा दूं तो भी इसके एसेट्स बेच के, इसका सामान बेच के मुझे इसकी कॉस्ट प्राइस से ज्यादा वैल्यू मिल जाएगी, तो ये जो प्रोबेबिलिटी वाली गेम है ये मैं खेल लेता हूँ। लक्ष्मी मित्तल जी ने ऑब्वियसली कैलकुलेटेड रिस्क लिया और ये गेम खेली, लेकिन वो इस चीज को बड़ा करना चाहते थे। उन्होंने उस प्लांट को इम्प्रूव करना स्टार्ट किया, उन वर्कर की बची हुई सैलरीज दी, उनका प्रोटेस्ट तोड़ा, उन्हें काम पे लगाया, उस प्लांट में एफिशिएंसी इंक्रीज करी और उस बिजनेस की पूरी कंडीशन 180 डिग्री स्वैप कर दी, यानी उसे लॉस मेकिंग बिजनेस से एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना दिया और सब लोग उनकी वाहवाही करने लगे। ठीक इसी तरीके से इंडिया की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी सन फार्मा के मालिक दिलीप संघवी जी के साथ भी यही हुआ। 1997 में कैरेको फार्मा, जो कि एक अमेरिकन फार्मा ब्रांड थी, उस कंपनी के कुछ स्टेक्स सन फार्मा ने खरीद लिए। दिलीप जी को भी बाकी फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स ने कहा कि आप क्या कर रहे हो, $800,000 की इसकी सेल्स होती है और $1.5 मिलियन तो इस पे डेट है, आप कर क्या रहे हो। इन्होंने एक और स्मार्ट मूव खेली, पूरी कंपनी को एक साथ नहीं लिया, धीरे धीरे वो कंपनी को लेने लग गए और साथ में उस कंपनी की सिचुएशन भी इम्प्रूव करने लग गए। इनके माइंड में स्ट्रैटेजी कुछ और थी, इन्हें पता था कि यूएस में जो फार्मास्यूटिकल बिजनेस है वो बहुत ही लुक्रेटिव है, उसमें प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, लेकिन यूएस में अगर मैं खुद का प्लांट खोलता हूँ तो उसमें बहुत डिफिकल्टीज है। यूएस में गवर्नमेंट से अप्रूवल्स लेना, एक नया बिजनेस खोलना, उसमें एसेट्स डालना, वो बहुत डिफिकल्ट है, इसीलिए उन्होंने इस लॉस मेकिंग बिजनेस को खरीदा था। 2002 में ये बिजनेस एक लॉस मेकिंग बिजनेस से ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंच गया। ये एक्विजिशन इतनी सक्सेसफुल हुई कि इनफैक्ट अभी सन फार्मा की टोटल सेल्स में से 30% यूएस मार्केट से पैसा आता है और इंडियन मार्केट से 33%, और आज सन फार्मा की मार्केट कैपिटलाइजेशन 2.75 लाख करोड़ है। देखिए लक्ष्मी मित्तल जी का ये स्टील प्लांट हो या फिर अमेरिका की फार्मास्यूटिकल कंपनी, ये सब एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि आप लोग कर क्या रहे हो, बट ये जो प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर रहे थे कि उन्हें ये मूव्स लेनी ही लेनी है, अगर ये मूव लेंगे तो ये सक्सेसफुल हो सकते हैं, बिकॉज दे वर थिंकिंग ऑफ लेवरेज एंड वर कैलकुलेटिंग प्रोबेबिलिटीज। गुजरातीज की नंबर 5 क्वालिटी आती है ऑलवेज सर्चिंग फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज। गुजराती लोग हमेशा नई अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करते रहते हैं और उस पर काम करने के लिए रेडी रहते हैं। कुछ ऐसी ही स्टोरी है डायमंड टाइकून सावजी भाई ढोलकिया की। सावजी भाई की घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्होंने स्कूल की पढ़ाई छोड़ी और 12 साल में सूरत शिफ्ट हो गए अपने अंकल के पास, जो कि एक डायमंड ट्रेडर थे। वहां पर वो 180 रुपए की नौकरी में लग गए और 10 साल तक यही काम करते रहे। जब वो उसमें परफेक्ट हो गए तो उन्होंने अपने भाइयों के साथ मिलकर डायमंड पॉलिश का ही काम करना स्टार्ट किया। कुछ साल के बाद उन्होंने धीरे धीरे एक्सपैंड किया और ये बिजनेस बहुत अच्छा चलने लग गया। तभी 1991 में जब लिबरलाइजेशन हुआ
तो हमारी कंट्री का फॉरेन कंट्री के साथ ट्रेड बढ़ने लग गया और जिसकी वजह से इन्हें और प्रॉफिट्स होने लग गए। सावजी भाई ने इंटरनेशनल मार्केट में डायमंड की इंक्रीजिंग डिमांड को ऑब्जर्व किया और उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज किया, जिसकी वजह से इन्होंने मुंबई में अपना एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट कर दिया और इसे नाम दिया हरी कृष्णा एक्सपोर्ट्स। एक्सपैंड करते वक्त इन्हें एक प्रॉब्लम हमेशा सता रही थी और वो थी कि इनकी इम्प्लॉयज जो थे वो उन्हें बार बार छोड़ के चले जाते थे। बड़ी बड़ी कंपनी में काम करना चाहते हैं, हमारे साथ तो कोई ना तो एम्प्लॉय मिलता है, ना तो मैनेजर मिलता है, ना तो कोई अच्छा व्यापारी मिलता है, ना तो हमको अच्छा कोई सप्लायर मिलता है। तो इन्होंने अपना एक मंत्र बनाया और वो मंत्र था कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा दो, आपको अपने आप मिलने लग जाएगा। अभी कुछ ही साल पहले आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज सुनी होगी कि एक कंपनी अपने इम्प्लॉयज को फ्लैट, कार और सोने के सिक्के दे रही है। ये इन्हीं की कंपनी थी। इन शॉर्ट, इस स्टोरी से हमारी लर्निंग ये है कि हमेशा नई अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करते रहो और अपने इंप्लॉयज को खुश करने के ज्यादा से ज्यादा तरीके ढूंढो। हमारी सिक्स्थ लर्निंग आती है कि डेयर टू गो अगेंस्ट द फ्लो। इमेजिन कीजिए कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आपने बहुत अच्छे से उसे स्टडी भी किया है, लेकिन फिर आपके फ्रेंड्स आते हैं और वो बोलते हैं तो ऐसा ना कर, आप उसे इग्नोर कर देते हो। आपके फैमिली मेंबर्स आते हैं, आप उन्हें इग्नोर करते हो, लेकिन इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स आके आपको बोलते हैं कि भाई ये इन्वेस्टमेंट नहीं चलेगी, तो क्या आप उसमें इन्वेस्टमेंट करोगे या नहीं? हमें से मैक्सिमम लोग नहीं करेंगे, लेकिन इस इंसान ने की और इस इंसान का नाम है मिस्टर रामदेव अग्रवाल। देखिए, मिस्टर रामदेव अग्रवाल इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल और वेल्दीएस्ट इन्वेस्टर्स में से एक हैं, जो कि मोतीलाल ओसवाल टीम के साथ काम करते हैं और इवन उसके को फाउंडर भी हैं। देखिए, 2003 में इन्होंने नोटिस किया कि इंडिया में 5 करोड़ लैंडलाइन फोन्स थे, यानी तार वाले फोन, और इंडिया की पॉपुलेशन 100 करोड़ के आसपास थी, यानी टेलीकॉम कम्युनिकेशन की जो पेनिट्रेशन है दैट वाज ओनली 5%। उन्हें पता था कि वेस्ट में वायरलेस टेलीफोन कम्युनिकेशन हो रही है, यानी मोबाइल फोन्स आ रहे हैं, और ये चीज इंडिया में रेप्लिकेट होनी ही होनी है। और उस वक्त एक कंपनी थी जिसका नाम था भारती एयरटेल, जो कि ज्यादा अच्छा बिजनेस नहीं करी थी और लॉस मेकिंग थी, उस पर इन्होंने काफी ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर लिए। सबने इन्हें मना किया, इवन इनके को फाउंडर मोतीलाल ओसवाल जी ने भी इन्हें मना किया, लेकिन उसके बावजूद भारती एयरटेल में इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी और ये कंपनी 30x हो गई, यानी ये 30 मल्टी वैगर बन गई मिस्टर रामदेव अग्रवाल जी के लिए। इस स्टोरी से लर्निंग हमारी ये है कि अगर हमें बड़े विन चाहिए और हमें डेटा क्लियर है कि हाँ ये चीज़ पॉसिबल है, तो फिर उस वक्त हमें फ्लो के ऑपोजिट जाने से डरना नहीं चाहिए। इस वीडियो को मैं आपके लिए समराइज कर देता हूँ। सबसे पहली हमारी लर्निंग थी स्मार्ट अडेप्टेशन, जिसमें हमने निर्मा वॉशिंग पाउडर की स्टोरी देखी। जरूरी नहीं है कि हमारे पास कोई न्यू आइडिया हो, रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट हो, बल्कि अगर हमारे पास नॉर्मल प्रोडक्ट भी है तो भी हम एक यूनिक ऑफर कस्टमर के लिए बना सकते हैं, जैसे कि निर्मा के केस में वो प्राइस था। दूसरी चीज हमने सीखी थी कि बिजनेस की दुनिया में अगर हमें पैसे बनाने हैं तो हमें अपने कॉम्पिटिटर से हमेशा आगे रहना पड़ेगा, जस्ट लाइक बालाजी वेफर्स, जिन्होंने शुरुआत तो हैंडमेड वेफर्स के साथ करी, लेकिन जब सारे हैंडमेड वेफर्स बना रहे थे तो स्केलेबिलिटी के लिए इन्होंने उस चीज को ऑटोमेट कर दिया। हमारी थर्ड लर्निंग थी पटेल्स की, यानी जिस तरीके से गुजरातीज एक दूसरे की हेल्प करते हैं, कम्युनिटी बना के रखते हैं, एक विन विन कंडीशन में बिलीव करते हैं, उसी तरीके से हमें भी जेलिसी को छोड़ के विन विन कंडीशन पर फोकस करना चाहिए। चौथी चीज जो हमने सीखी थी वो थी टेक कैलकुलेटेड रिस्क, जिसमें हमने स्टोरी देखी थी लक्ष्मी मित्तल जी की और सन फार्मा की। जब ये दोनों कंपनी खरीद रहे थे तो बाकियों के लिए ये बहुत ही रिस्की कंडीशन थी, बट इनके लिए कैलकुलेटेड रिस्क था, इन्होंने इसके लिए रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट किया था। तो सबके लिए जितना मर्जी बड़ा रिस्क हो, इनके लिए ये एक कैलकुलेटेड रिस्क था। फिफ्थ हमारी लर्निंग ये थी कि कोई भी जो बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है उसमें जाने से हमें घबराना नहीं चाहिए, जिसमें हमने स्टोरी देखी थी डायमंड टाइकून सावजी भाई ढोलकिया की। सिक्स हमारी लर्निंग थी रामदेव अग्रवाल जी की, कि वो भारती एयरटेल में तभी इन्वेस्ट करते रहे जब उनके खुद के को फाउंडर मोतीलाल ओसवाल जी ने उन्हें इसमें इन्वेस्ट करने से मना कर दिया और इस अपॉर्चुनिटी को रिस्की बताया। एनीवेज दोस्तों, अगर आप विन विन सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं तो अपने नेक्स्ट को फाउंडर को या फैमिली मेंबर्स को ये वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि वो गुजराती मेंटालिटी को समझ सकें। और बाकी कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइए कि किस तरीके से मैं इंप्रूव कर सकता हूँ। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।